तो ये कहानी है छोटे 6 महीने के एक बच्चे की, जिसका जन्म एक हॉस्पिटल में होता है। और जन्म होने के साथ ही इनके माँ बाप इस बच्चे से डरना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। इस बच्चे के अंदर एक भूत की आत्मा थी, जो कि इस बच्चे को बाकी छोटे बच्चों से अलग बनाती थी। जब ये बच्चा 6 महीने का होता है, तब से ही बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे 1 या 1.5 साल का टाइम लेते हैं एक शब्द बोलने में, बट ये बच्चा 6 महीने की उम्र में ही अपने खुद के माँ बाप को उनके माँ बाप की खुली गालियां देने लगा था, जिसे सुन के इनके माँ बाप पूरे शोक हो चुके थे, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को ये सब गालियां कहाँ से आती है, जो कि सुनने में हम लोगों को ही काफी बुरा लगता है। वैसे ही इनके माँ बाप को भी बुरा लगा, तो इनके माँ बाप इस बच्चे को लेकर तांत्रिक के पास गए, जहाँ पर इस बच्चे के माँ बाप को पता लगता है कि इनके बच्चे के अंदर एक चुड़ैल की आत्मा है, जो कि पिछले जन्म एक लड़की के साथ सेटिंग कर चुकी थी, बट उनके समाज ने इन लोगों को ठुकरा दिया था, तो एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अब ये लड़की उस समाज से बदला लेने के लिए इन बच्चों के अंदर आई थी, इस बच्चे के अंदर आई थी, जाहिर सी बात है। बाद में इनके माँ बाप डर जाते हैं, और ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग था, इसलिए इस बच्चे ने तांत्रिक को भी उसके माँ बाप की गालियां सुना दी। तो तांत्रिक ने भी बोला कि हम इस बच्चे को अब से ठीक नहीं करने वाले हैं, आप भाड़ में जाइए। और ये सुनने के बाद इस बच्चे के माँ बाप डर जाते हैं। 6 महीने के बच्चे को लेके उनके माँ बाप एक अनाथ आश्रम में आते हैं, और अनाथ आश्रम में अपना बेटा देके वो लोग चले जाते हैं। अभी अनाथ आश्रम वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हम इस बच्चे का इलाज कैसे करें। तो इलाज के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, हमें इस बच्चे के अंदर से भूतिया आत्मा निकालनी है। तो चलो गेम में जाते हैं और इस बच्चे के अंदर से भूतिया आत्मा निकालते हैं। तो चलो फिर गेम को करते हैं स्टार्ट। नाइट 1, ये हमारी पहली रात है इस बच्चे के साथ, जो कि 1 साल का है। द सीटर इस टाइम फॉर बेड, और बच्चे ने बोला इज दैट व्हाट यू थिंक, मतलब बच्चा बोल रहा है कि क्या तुम सच्चे में ये सोच रहे हो कि तुम मुझे सुला दोगे। तो पता नहीं ये क्या है चीज़ अभी, वैसा देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल भी डरावना, इसको ही हमको देखना है ना। हाँ भाई, इसका हम लोगों को बेबी सीट करना है 7-8 दिन के लिए, और इसके अंदर से भूत निकालना है। वैसे दिखने में बिल्कुल भी भूतिया नहीं लग रहा है, पता नहीं इसकी आंखें क्यों इतनी डरावनी है। अगर कार्टून के मामले में देखें तो कार्टून की आंखें कुछ भी बड़ी होती है, तो वैसे डरावना नहीं है, बट अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हाँ ये डरावना तो है। इसके पैरों पे पहले से ही चोट लगी हुई है। ओ ये तो देखो कमर भी हिला रहा है। ओ अच्छा, अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये गिर गया कप के ऊपर। नहीं ये रोएगा क्या? रो भाई, ये रो नहीं रहा बच्चा, रोने लगा। इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। वैसे गेम वाले क्या बोल रहे हैं, फीड द बेबी गेट बोटल फॉरम फ्रिज। ओके, हमें इस बच्चे को खाना खिलाना है, क्योंकि इसको खाने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। फ्रिज कहाँ पे है, आ जाओ। तो फ्रिज यहीं कहीं पे होना चाहिए। टीवी भी है। अच्छा ये तो भाई वॉशरूम है, यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं होगा। वैसे देखते ये सब डायपर वगैरह पड़ा हुआ है, और ए हम लोग दिख क्यों नहीं रहे आईने में। एक चीज़ मेरे को पहले क्लियर करो, मैं भूत हूँ कि फिर ये बच्चा भूत है? मेरे को बोला गया है बच्चा भूत है, अभी तो मेरे को मैं खुद ही भूत लग रहा हूँ, मैं आईने में ही नहीं दिख रहा हूँ। रुको, चेक करना पड़ेगा। आ जा। ये भी नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है हम दोनों भूत है, बट ठीक है भाई। ये क्या था? ये देखो। हाँ देखो बच्चे का सर टकरा रहा है सब चीज़ों से। ये रो नहीं रहा बच्चा, बहुत डेंजर है भाई। आ जा भाई, तेरे को खाना खिलाता हूँ। फ्रिज किधर है भाई, फ्रिज किधर मिलेगा? ये क्या है? अच्छा हम लोग एक अपार्टमेंट में है, जहाँ पे इस बच्चे की हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, लाइक हम लोग बेबी सीट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा ये रहा किचन, ये रहा फ्रिज, इधर है, और उसके अलावा ये है अंडे, और बाकी सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड भी है, इसको करते हैं ओपन। ये रही दूध की बोतल, आ जाओ। जाहिर सी बात है हम लोग इसको दूध की बोतल से ही दूध पिलाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है लड़कों के पास, तो इसको पिला देते हैं। खुश हो गया। क्या है अभी दूध पिला है, तुरंत इसने हक दिया। हद हो गई, ये बच्चों को भी संभालना बड़ा मुश्किल है। खाना खिलाओ इंस्टेंट हक देते हैं, क्या बात है। ये खुश हो गया, देखो ये मेरे को भूतिया नहीं लग रहा है। आ जाओ इसको इधर रख देते हैं ऐसे, और अच्छा हम लोगों को गेट न्यू नेपी, नेपी मतलब कि डायपर बोलो ना सीधा। ये डायपर, ये बच्चा किधर, ये बच्चा किधर गया, ये इधर कैसे आ गया? ये भाई सच्ची में तू तो भूतिया निकला रे, ये शक्ति वक्ति हमको भी दे, हम तांत्रिक लोग नहीं समझ पा रहे। चेंज द बेबी, इधर रख देते इसको और लगा देते। हाँ हो गया।
टेक बेबी टू बेड, अभी इसको हम लोगों को सुलाने के लिए बेड पे लेके जाना है। तो चलो फिर बच्चे को लेके हम लोग जाने वाले हैं बेड पे इसे सुलाने के लिए। वैसे बच्चा काफी खुश हो गया है, देखो ध्यान भी ऐसे रखा है भाई, खुश होना भी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आना है ना, बेड किधर है भाई, बेड किधर है? नो बेड, दूसरा रूम चेक करते, दरवाजा ओपन था, मैंने सोचा वहीं पे होगा। ये क्या है भाई, एक पल के लिए टीवी ने डरा दिया था मेरे को। चलो इधर भी नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। बेड किधर मिलेगा? अरे एक मिनट रुको, दरवाजा लॉक है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये देखो रो क्यों नहीं रहा, रोने लगा। आवाज़ नहीं आ रहा तेरा? आ रहा है। बटे कम रो रहा है बच्चा, मेरे को पता नहीं, बटे थोड़ा बहुत तो कम रो रहा है। हम लोगों को इधर सुलाना है क्या इसको? हाँ इधर ही सुलाना है। फाइंड द स्टोरी बुक एंड सिट डाउन। स्टोरी बुक किधर है? ये स्टोरी बुक है क्या? स्पाइन ग्लोब और इसमें से कोई बुक उठा लेते हैं। नहीं ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। एक मिनट रुको, द प्रिंस एंड द केट, ओके आई थिंक ये स्टोरी बुक है। इधर बैठना है क्या? हाँ ये अपन करते हैं अभी बुक को ओपन। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. वो अच्छा ये स्टोरी सुना रहा है क्या? अच्छा क्या बात है? They walked through the golden garden gate. और कुछ? भाई स्टोरी काफी बड़ी है, हो गई क्या स्टोरी? ये बच्चा सो गया यार, बच्चे को बेबीसिट करना इतना आसान है क्या? मेरे को तो बहुत वो लगता था कि भाई बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता होगा, बट ये तो बहुत ईजी काम है। तो हम लोग जो ये सोचते हैं कि लड़की लोग बच्चों को बहुत मुश्किल से संभालते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे बहुत आसानी से सो जाते हैं। वॉच टीवी ऑन द सोफ़ा, ओके हम लोगों को इसके माँ बाप के आने का वेट करना है और उनको उनका भूतिया बच्चा दे गए जब उनके माँ बाप आएंगे, बट उससे पहले हम लोगों को अभी टीवी देखना है। चलो टीवी देखते हैं। ये क्या हुआ, समझा नहीं मेरे को। इधर बैठते हैं हम लोग, कुछ तो मैंने किया बट मेरे को समझ नहीं आया क्या किया। ये क्या हो रहा है, टीवी तो चालू हो नहीं रही। बच्चा रोने लगा है। आ जाओ बच्चे को देख के आते एक बार, क्या हुआ इसको? एक मिनट, अरे बच्चा इधर नहीं है, दरवाजा भी ओपन है, तो ये गया किधर? रोने का साउंड किधर से आ रहा है? इधर से तो नहीं गया ना ऊपर? नहीं इधर से तो नहीं गया होगा। ये दरवाजा अभी भी लॉक है। अरे तू नीचे कैसे आ गया, मैं ऊपर गया तब तो नहीं देखा था। ये ले भाई, वापस से इसको बेड पे लेके जाना है। ये काफ़ी गंभीर केस लग रहा है बच्चे को देख के मेरे को, ये बच्चा दिखता भी नहीं है और इधर उधर हो जाता है। पुट द करेक्ट फ्लूशिन कोट, ओके मैंने सही प्रनाउंस किया। इसको आई थिंक रमकड़ा चाहिए, रमकड़ा बोले तो एकदम टोई चाहिए। ये ले, ये नीचे गिरा दिया। ये ले, नहीं तेरे को ये नहीं चाहिए क्या? दूसरा देते हैं, ये वाला चलेगा? ये भी नीचे गिर गया। अरे यार ये भी नहीं चाहिए इसको, ये वाला चलेगा क्या? हाँ खुश हो गया। चलो अभी हम लोग जा सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी खुश है, तो दरवाज़ा करते हैं बंद और निकल लेते हैं। इस बार देखो मैंने दरवाज़ा भी बंद किया है, अगर ये बच्चा अभी बाहर आ गया तो फिर ये 6 महीने का है मानना मुश्किल है भाई, क्योंकि 6 महीने के बच्चे इतने। एक मिनट साउंड आया था कुछ मेरे को, दरवाज़ा ओपन हो गया है भाई, दरवाज़ा ओपन हो गया है। हरामी तू कैसे कर रहा है सब, दरवाजा प्रॉपर में लॉक कर रहा हूँ बट बच्चा खोल दे रहा है भाई, सीरियस केस तो है। टीवी देखना है अभी के लिए, तो हमें ये बैठ जाते हैं यहाँ पे। और क्या बात है, टीवी पे कुछ आ नहीं रहा अभी तक, ये सर टीवी काम करती है क्या? तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरी रात में और अभी बच्चा हंसते हुए बोल रहा है कि ये फनी है इस टाइप से कुछ, और आई टोल्ड यू नॉट टू डू डेथ, मतलब हम लोग जो है ना इस बच्चे से परेशान हो चुके हैं। तो हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तू ये जो इधर उधर गायब होने वाला काम कर रहा है वो करना बंद कर दे, क्योंकि हम हैं तांत्रिक और इस बच्चे की अकल ठिकाने पर लानी होगी। वैसे 6 महीने के बच्चे को तुम क्या ही कर सकते हो, बेबी सिट करते हो, उसके दिमाग तो उसका चलता नहीं, उसको क्या बोले कि समझेगा नहीं। वैसे गेट बोतल फॉरम फ्रिज, मैं फ्रिज से बोतल तो लाऊंगा बट बच्चा कहाँ है, बच्चा ढूंढना पड़ेगा ना, मैं तो दूध नहीं पीऊँगा बोतल से। तो अभी किधर है बच्चा भाई, इसको देखते हैं बच्चा किधर है भाई, बच्चा इधर भी नहीं है, बच्चा गायब है भाई, बच्चा गायब है।
फटाफट से हम लोगों को ना एक बोतल पहले फ्रिज से उठा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। बच्चा तो नहीं दिख रहा कहीं पे, लफड़ा हो गया है भाई। ये ओपन हो जाए, अरे ये क्या है, बोतल कैसे गायब हो गई? हम लोगों को अभी बोतल ढूंढना है। ये दरवाजा भी बंद कर दिया, लॉक कर दिया उसने, बच्चे ने दरवाजा लॉक कर दिया। ये देखो प्लेट टूट गई रे, ये भी बच्चा है। ये तो ये ओपन करके चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है। किधर गया ये दूध का बोतल? एक मिनट, ये रहा, मिल गया दूध का बोतल। इसको करते हैं बंद। दरवाज़ा ओपन हुआ क्या? हाँ हो गया, हो गया। ये रहा बच्चा भाई, ये गायब हो जाता है, एक ही पल में वापस आ जाता है। इसमें से हम भूत निकालेंगे कैसे? और अब तक हमको भूत दिखा भी नहीं है। ये ले, इसको हमने खाना तुरंत ही हग दिया भाई। ये क्या सीन चालू है इसका? खाना खिला और दूसरे पल में ही इंस्टेंट काम है इसका तो। अभी इसको इधर लेटाते हैं और इसका डायपर हम लोग चेंज करेंगे। तो ये रही नेपी। ये क्या है? ओए ओ भाई यार, कुछ भी चल रहा है गेम में। किधर गए वो? ओए क्या है ये? ये डायपर कैसे इधर उधर जा रहा है? कहाँ भाई, क्रेजी गेम है तो। ये दरवाजा ओपन हो गया है वाला, ये रहा बेड। ओए ये क्या है? नॉट एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए ये कोई कुछ तो है। इसको उठा लेते हैं। क्या बात है, चड्डी भाई चड्डी। इस घर के अंदर बच्चे की चड्डी जो है उसके अंदर आत्मा है। बच्चा छोड़ो, बच्चे की डायपर जो है, डायपर, और डायपर भी डरावना है। क्या बात है, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए कुछ। ये हुई ना बात, एक बेबी टू बेड। आ जाओ, इसको वापस सुलाने के लिए लेके जाना है। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? ये उठाते अभी इधर से बच्चे को। भाई मेरे को समझ नहीं रहा क्या चालू है, क्योंकि ये बच्चा कुछ भी करता है। आ जाओ तो इसको लेके जाते अभी ऊपर बेड पे, और इस पर ही लेटाना है ना इसको? नहीं, इसके लिए ये बेड नहीं है, ये बेड हमारे लिए है। इसके लिए बेड है वो, जो उसका क्या बोलते हैं इसको, इसको कुछ कहते हैं, कोट, कोट जो है इसका बेड है। फाइंड स्टोरी बुक एंड सिट डाउन। ओके ये रहा स्टोरी बुक, और इधर हम लोग बैठ के इसको सुना देते हैं एक बढ़िया सी स्टोरी। अभी स्टोरी है द प्रिंस एंड द रैबिट, लेट्स गो। When the rabbit came to visit, the prince said, "Time भाई to play." छह महीने के बच्चे को स्टोरी थोड़ी समझ आएगी यार, कुछ भी चालू है तो। ये क्या हुआ, बुक फेंक दिया इसने, क्या चालू है? इसको खिलौना चाहिए क्या? ये ले ले ले, ले बच्चे, ये ले बच्चा। हाँ खुश हो गया, देखा, इसको खिलौना दो खुश हो जाता है। अब मैं जो स्टोरी सुनाऊँ वो सुनना, मेरे को पता है तेरे को कुछ समझ। ये क्या किया इसने आँख में, आँख आँख कैसे किया तूने वो? भाई ये मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बच्चा। हमको क्या, हम तो सुना देते स्टोरी और सुला देते। ये लो फटाफट से स्टोरी खत्म करो भाई, इतना लंबा स्टोरी नहीं सुनाने का रहता है। सो गया क्या बच्चा? भाई स्टोरी सुनाते ही बच्चा सो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चा जो है वो शरीफ है, मतलब इसको बोले ना एकदम प्यारा सा बच्चा है। इसके अंदर भूत है, बट हम लोगों को इसके अंदर से भूत निकालना कैसे वो सोचना पड़ेगा। बाकी बच्चा बहुत शांत है, एक स्टोरी सुनाओ सो जाता है। बाकी आजकल के बच्चे तुम्हें पता है क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी सोने बोने में मानते नहीं है, उसको तुम कुछ भी कर दो नहीं सोते है। चलो सोफे पे बैठ जाते हैं। दरवाजे पे कौन आया भाई? करते हैं ये क्या है, ये तो कुछ आया टोस्टी। ये क्या है टोस्टी भाई, रखते इधर। ओके चलो अभी हम लोग टीवी देखने वाले हैं। ये हुई ना बात, टीवी देखना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। नाइट थ्री, तीसरी रात स्टार्ट हो चुकी है। द सीटर, गुड नाइट स्वीट ड्रीम द चाइल्ड, आई विल शो यू माई ड्रीम्स। भाई ये तीसरा दिन मेरे को खतरनाक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम है, हमने बच्चे को जब बोला गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स,
तो अभी छह महीने का बच्चा पहली बात तो बातचीत नहीं करना चाहिए, बट ये बच्चा बातचीत कर रहा है और इसने बोला आई विल शो यू माई ड्रीम्स, मतलब मैं तुम्हें अपना सपना दिखाऊंगा। अब इसका सपना क्या होगा? लग्जरी डायपर पहनना? मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं कि उसके पास वीडियो गेम हो? अभी छः महीने का बच्चे से हम वैसे तो उम्मीद करेंगे कि नहीं वो वीडियो गेम वगैरह की चीज़ें सोचेगा। तो देखते हैं इसके सपने में क्या आता है, क्या है इसका सपना। वैसे हम लोगों को टीवी देखना है वापस से। बच्चा रो रहा है यार, बच्चे भाई जीने भी नहीं देते। ये बेबी सीट नहीं करना चाहिए बच्चों को, सच बता रहा हूँ मैं। जो लोग बेबी सीट करते हैं सल्यूट है भाई, ये सब बच्चे को बेबी सीट कैसे करेंगे डरावने। हो गया क्या, खुश हो गया? ये कोई तरीका है क्या? क्या ही तो बच्चा, इसके पास में गया मैं, इसको टच किया तुरंत ही शांत। फाइंड समथिंग टू ईट, हम लोगों को खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ब्रेड। ब्रेड लेने के बाद इस ब्रेड को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे ओपन। टोस्टी मेकर है ये, और इसमें हम लोग रखने वाले हैं इस ब्रेड को। और इसके बाद नहीं यार, इसमें ब्रेड रख दिया, एक ब्रेड को लेंगे और एक ब्रेड को हम लोग डालेंगे ओवन पे, कुछ इस प्रकार से, और ओवन को कर देंगे बंद। और अभी हमारा ब्रेड जो है, क्या हुआ है क्या, मेरे को समझा नहीं। एक और बार ट्राई करते हैं, लगता है कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है। ब्रेड हमारा क्या हुआ है, ओवन खराब हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, हो रहा है। ये लो भाई, कुछ तो लफड़ा है। आई थिंक ब्रेड को हम लोग जो है ना इसमें नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ है। इसको बंद करते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे ब्रेड रखा है, इस ब्रेड को यहाँ पे रखते हैं और इसमें हम लोग डाल देते हैं एक अंडा, कुछ इस प्रकार से। नहीं ये सही नहीं लगा, एक और बार ट्राई करते हैं, ये भी सही नहीं लगा। फ्रिज ओपन करते हैं, ओ कांदा डालते हैं भाई, रे भाई ये डालते हैं ओनियन, कांदा मीन्स ओनियन, ओनियन लगा देते हैं एक। सैंडविच में डालेंगे ओनियन, एक डालेंगे मशरूम, और फिर डालेंगे हम लोग ये क्या है भाई, मेरे को इसका हैम है, ये हैम है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है, मतलब मेरे को नहीं पता इसका हिंदी में क्या नाम है। एक डालते हैं टमाटर स्लाइस, टमाटो के ना, जेना ये ऐसा बोलते हैं, टमाटर बोलते हैं ना टमाटर, वो एक डालते हैं हम लोग। चीज़ स्लाइस, ये है चीज़, और इसको रख दिया। और फिर हम लोग डालेंगे एक पिकल, मतलब कि आथना, आथना मीन्स ऐसा समझो कि खाना खाते समय हम लोग जो साथ में खाते हैं ना, तो वो हमने डाला। एक लेते हैं ब्रेड, इसको रख देते हैं ऊपर और इसको कर देते हैं बंद। भाई हम लोग बकायदा सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं तुम लोग। ये क्या हो गया, ये क्या है, फीड मी भाई, हम लोगों को बच्चे को खाना खिलाना है, ये क्या है सब भाई, ये चालू क्या है, फीड मी फ्रिज, ये इतना बड़ा फ्रिज कैसे हो गया ये? ये लो दूध की बोतल, अरे यार एक मिनट, ये क्या है भाई, ये बच्चे का सपना है क्या? बच्चा दारू पीता है रात को सपने में, बच्चा दारू पीने के सपने देख रहा है, क्या चालू है? दारू की बोतल इधर पड़ी हुई है, ये रास्ता किधर लेके जाता है हमको, इधर तो कुछ है ही नहीं भाई। ये बच्चे का सपना वाकई में एसी बेसी फिटिंग करवाया हुआ है भाई, रास्ता किधर है? तो हम लोग घूम फिर के इधर ही आ गए, हम लोगों को इधर जाना है आई थिंक, हम लोग फंस गए हैं भाई। ये हो गया। अच्छा हमारा घर किधर है, घर किधर है? आई थिंक, मुझे लगता है, नहीं यार ये भाई बोतल पकड़ो यार, ये वाला घर अपना है क्या? हाँ ये रहा बच्चा, इसको पिला देते हैं दूध, खुश हो गया। अरे यार वापस से इसका डायपर चेंज करना है, पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। भाई ये बच्चे का सपना बहुत ज़्यादा ही कुछ डेंजर था। आज अब इसको लगाते हैं यहाँ पे, बच्चे को रखते हैं, अब उठाते हैं डायपर। बच्चा गायब तो नहीं हुआ इस बार? ए भाई ये क्या है, देख रहे हो तुम लोग ये सब, ये बच्चा कर क्या रहा है भाई, ये क्या चालू है? अरे यार
ब्रेक द इमरजेंसी ग्लास, ब्रेक द इमरजेंसी ग्लास, कहाँ है इमरजेंसी ग्लास? अपस्टेयर। अरे यार ऊपर कहीं पे इमरजेंसी ग्लास होगा। दरवाजा बंद है, लॉक है भाई, ओपन हो जा। अरे यार क्या है भाई, ये रहा इमरजेंसी, इमरजेंसी ब्रेक ग्लास। पीसी भाई, बेबी 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 किधर है भाई हमारा बच्चा? ये रहा बच्चा, ये लो। बहुत ज्यादा खतरनाक था भाई इसका सपना तो। लो बच्चे के मुंह में हम लोगों ने वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, टोटी डाल दिया। टोटी बोलेंगे क्या इसको, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता यार। बच्चा चुप हो गया बिल्कुल ही। ये ओ ये क्या था, ये क्या है भाई? द प्रिंस एंड द शीप, इसके हाथ में कोई बुक है जिसके ऊपर लिखा है द प्रिंस एंड द शीप। बच्चा खुद ही चला गया बेड पे। ये अभी देखो भाई, क्या ही तो लग रहा है नजारा भाई, डरावना तो है, मानना पड़ेगा। बच्चे भाई तो बच्चे चुप रहे, ये ले सो जा चुपचाप। हो गया क्या सही? अब तक चीज़ें सही नहीं हुई है, इसको कोई खिलौना दे देते हैं भाई। हम लोगों को तांत्रिक नहीं बनना चाहिए था, गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। ये वाला शिप चाहिए क्या? शिप चाहिए इसको। अच्छा इसने वो बुक पे लिखा था ना। अच्छा ये रहा द प्रिंस एंड द शिप। अरे ये तो वही बुक है जो इसके सपने में हमने देखी थी। पहले हम लोगों ने द प्रिंस एंड रेबिट था, अभी शिप हो गया है भाई, इसका सपना सच हो रहा है। इतने जल्दी तो मेरे सपने सच नहीं होते हैं। फटाफट बुक को ख़त्म करते हैं। और ये क्या है बच्चा, करना क्या चाहता है भाई? अरे नहीं रे, ये सच में डरावना है, ये सच में डरावना था। ये जो आखिरी में आया ना भाई, गुड नाइट भाई, हम लोगों ने क्या भाई, क्या बोलूं मैं, गुड नाइट हो चुका है। ओ भगवान, एस्केप अनलोकेड, फॉलो द वाइट रेबिट एंड एस्केप फ्रॉम बेबी। अगर हम लोगों को बच्चे से दूर भागना है तो इस रेबिट्स को फॉलो करके हम लोग इस घर से बाहर भाग सकते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है इस वीडियो को यहाँ पे हमें खत्म करना चाहिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। बाय द वे तुम लोग बोलो इसका पार्ट टू तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, और मैं इसका पार्ट टू अपलोड कर दूंगा। वैसे अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करने वाले हैं। बस ये वापस से नाइट वन स्टार्ट हो चुका है तो मेरे को समझा नहीं क्या चालू है, बट अगर तुम लोगों को पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके तुम लोग बोल सकते हो। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।